लोनलीनेस. जेंजी कितना भी फॉलो कर रही हो डिफरेंट यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, कितना ही आगे चल रही हो, ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कंप्लेन सुनने को मिलती है. और मैं जेंजी को क्या बोलूँ, मुझे लगता है आजकल की दुनिया में आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट दिस. और जब हम बात कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि हम खुद ही एक प्रोसेस से गुजरते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स इट्स लोनलीनेस जो आके आपको हॉन्ट कर रही है, जो आपको सैड कर रही है, या आपको डिप्रेशन की तरफ जा रही है. हाउ डू यू डील विद इट? व्हाट वुड यू टेल पीपल हु आर इन दिस प्रोसेस? एंड हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिप्रेशन एंड अ स्टेज विच इज़ लोनलीनेस इन योर लाइफ? देखिए, एक तो ये कि जेन जी का क्या, मुझे लगता है कि हमें भी, वी आर नॉट यूज टू बीइंग विद आर सेल्फ्स. हमने अपने आप को इतना बिजी किया हुआ है, जेन जी ने भी, हमने भी. सोशल मीडिया, लोग, टीवी, दिस कॉन्स्टेंट नॉइज़ इन द बैकग्राउंड. वी नीड पीपल इन द बैकग्राउंड. हमारे डेज ऐसे प्लान्ड होते हैं, आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, परसों मैंने ये करना है. सो नो बडी इज़ गॉट टाइम टू सिट विद आवर सेल्व्स. और जब कभी ज़िंदगी वो करा देती है ना हमसे कि अच्छा अब कुछ नहीं है, या ये रात फारिग है, या ये दिन फारिग है, तो हमें पता ही नहीं है कि हमें फारिग कैसे बैठना है. तो हमें एंगजाइटी और वो सारी सोचें, क्योंकि हमारी सोचें इतनी अनकम्फर्टेबल है ना कि हमें वो तकलीफ़ देती हैं, इसलिए हम उनसे भागते रहते हैं. हमारे प्रोसेस नहीं हुए हुए इमोशंस, हमारी जो लोग थेरेपी में नहीं होते खासकर, उनकी कितनी चीज़ें ज़िंदगी में से वो गुज़रते हैं, कितनी लाइफ में चेंजेस आते हैं, और उनको वो कभी उन चीज़ों से गुजर. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल देके बात की थी कि अगर किसी के मदर की डेथ हो गई है और उसके बाद अब कई साल गुजर गए हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे उनको फ़ौरन वही आएगा, क्योंकि वो ग्रीफ प्रोसेस नहीं हुआ. वो इमोशंस हमारे पास हैं, हमें इमोशंस महसूस करना नहीं सिखाए गए, हमें नम करना बताया गया. हम नम किस तरह करते हैं, वही जो मैं बता रही हूँ. मीडिया देख लिया, लोगों को बुला लिया, पार्टी कर ली, कहीं चले गए, किसी को कर लिया. वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग आर सेल्व विद पीपल एंड वी आर कॉन्स्टेंटली नमिंग एंड सप्रेसिंग दोज इमोशंस. फिर वो बबल अप कर जाते हैं ना हमारे, जब हम अकेले होते हैं, फिर वो एक के बाद एक के बाद एक वो हॉन्ट करते हैं. फिर हम दोबारा फ़ोन उठा लेते हैं. अकेले में कभी बैठे हैं आप फ़ौरन फ़ोन उठता है. क्यों? क्योंकि हम अपने साथ अलाइंड नहीं है, अपने साथ कनेक्शन में नहीं है, और हमें नहीं पता हाउ टू डील विद दोज इमोशंस. कितने लोगों को पता है कि अगर, कितने लोगों को तो नाम भी नहीं करना आता, इट्स दे जस्ट कॉल इट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अब नॉट फीलिंग वेल कैन बी सैडनेस, कैन बी जेलसी, कैन बी कंपैरिजन, कैन बी एंगजाइटी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना उसमें. अब वो हमें इमोशंस ही नहीं पता कि मुझे फील एग्जैक्टली हो क्या रहा है. सो जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट. ओके. कि जब आपको समझ नहीं आ रहा ना कि मैं क्या फील कर रही हूँ, सो आई जस्ट आस्क पीपल टू यू नो स्टार्ट राइटिंग. जो लोग क्रिएटिव हैं वो ड्रॉ करने लग जाएँ, बट एक आउटलेट दें अपने आप को टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मुझे एग्जैक्टली इस मोमेंट में क्या फील हो रहा है. एंड देन यू नो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि वट डू आई नीड राइट नाउ, मेरी नीड क्या है. एम आई क्रेविंग कनेक्शन, एम आई क्रेविंग क्या. अब लोग बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं ना, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग योर सेल्फ जंक फूड, या जो डोनट्स मंगा के खा लिए, कि बस क्या है कि नम, ये जो एम्प्टीनेस की फीलिंग है इसको भर रहे हैं कि ये भर जाए कुछ अंदर, हैवी हो जाए. तो एक तो ये कि जो डिप्रेशन और लोनलीनेस का फ़र्क है वो ये है कि डिप्रेशन इज़ डिफरेंट. उसमें ये होता है कि आपकी जो जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं ना, जो आपकी हैबिट्स हैं. लोनलीनेस में ये होता है कि आप फॉर अ वाइल लोनली है, लेकिन यू कैन गेट बैक टू योर गोल्स एंड योर लाइफ एवरी डे. जो आप कर रहे हैं कि काम पर आएँ तो काम कर लेंगे, अच्छा दोस्तों में जाना तो दोस्तों में जाके इन्जॉय भी कर लेंगे, जिम जाना तो जिम भी, सेल्फ केयर भी कर लेंगे. लेकिन जब आप डिप्रेशन में होते हैं ना, देन यू आर नॉट एबल टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. स्लोली आपका ये होगा कि मुझे, इफ़ यू आर अ पर्सन हु एन्जॉयज़ वर्किंग आउट अलॉट, लेकिन आप ये होंगे कि नहीं मुझे जिम नहीं जाना, और आप यू गेट इन टू दिस लूप. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस? यू थिंक लाइक दैट, यू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या फ़ायदा है इसका, जिम जाके क्या फ़ायदा है, या मैं ये कर लूँगा इसका क्या फ़ायदा है, पैसे कमा के क्या फ़ायदा है, बच्चों के साथ टाइम गुजार के क्या फ़ायदा है, दोस्तों में जाके क्या फ़ायदा है. यू, आपका पर्पज़ निकल जाता है एंड यू गेट इन टू दिस लूप कॉन्स्टेंटली. आप हर चीज़ में, और फिर जो चीज़ें आपको डिप्रेशन से निकालती हैं आप वो कर ही नहीं रहे ना. आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, आप लोगों से मिल रहे हैं.
आप थेरेपी पे जा रहे हैं, ना आप थेरेपी पे जा रहे हैं, तो उस वो एक साइलेंस में आप सफ़र करते रहते हैं। और फिर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे जिसको आप ये बता सकें या जो आपको गाइड कर सके टुवर्ड्स थेरेपी, तो फिर इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। लोनलीनेस में तो ये होता है ना कि ठीक है अगर मैं लोनली हूँ और मैं सैड हूँ, लेकिन सुबह उठ के मैं अपने काम पर जाऊँगी और मैं प्रोडक्टिव हूँ काम पर, मैं उसको एज अ बोझ नहीं कर रही। अच्छा, ये एक दिन में नहीं होता कि बिल्कुल अब बोझ नहीं लगे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रांजिशन होती है एंड देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज दे डोंट, उनको ये लगता है कि किसी भी चीज़ का क्या फ़ायदा है। बेसिकली यू लूज पर्पज ऑफ लाइफ इन डिप्रेशन, दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। एंड यू स्टार्ट, यू बिकम सो नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, यू बिकम सो, आपके अगर थाट्स इस तरह के कि मैंने क्या किया है पूरी ज़िंदगी में, यू सी योर सेल्फ एज अ फेलियर एंड देन यू डोंट सी होप इन द फ्यूचर ऑल्सो। आपने अपना पास्ट भी ब्लैक कर दिया है और आपने अपना फ्यूचर भी ब्लैक पेंट कर दिया है और आपका प्रेजेंट इतना अच्छा। डिप्रेशन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, कुछ लोग बहुत सोते हैं क्योंकि आप उनको अपनी रियलिटी इतनी बुरी लग रही होती है दैट दे जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, दे वॉन्ट टू क्लोज देयर आइज एंड दे वॉन्ट टू स्लीप। आपको बेसिक टूथब्रश कर उठ के ब्रश करने में ना इट्स गोइंग टू, और लोग कह रहे होते हैं नमाजें पढ़ो, एक इंसान उठ के ब्रश नहीं कर सकता। जैसे आप फिजिकल इंजरी लेते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको हम कभी जाके नहीं कहते कि उठ के नमाज़ पढ़ लो। इसी तरह डिप्रेशन को भी हमें लेने की ज़रूरत है कि आपको नज़र नहीं आ रहा ना, हम बड़े विजुअल, वही बात करूँगी मैं, क्या इंसान बड़े विजुअल होते हैं लेकिन उसकी हालत उससे भी शायद वर्स होती है अंदर से। और कुछ लोग होते हैं वो बड़ा अच्छा, आपको बाहर से बहुत अच्छे नज़र आएंगे, अपने काम भी कर रहे होते हैं, जिम भी जा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, पर उनका अंदर से उनका यही चल रहा होगा कि इसका फ़ायदा क्या है, या मेरा तो पहले इतने सालों से करके मैंने क्या कर लिया। पीछे भी फेलियर नज़र आता है, आगे भी फेलियर नज़र आता है, एंड देयर इज़ नो होप। और लोनलीनेस का ये तरीका है कि जिसको ये लगता है ना कि मुझे थेरेपी में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको थेरेपी में जाना चाहिए। ओके, इफ यू आर क्वेश्चनिंग, अगर ये सवाल दिमाग में आ रहा है ना कि क्या मैं थेरेपी में जाऊँ या ना जाऊँ, क्या हो जाएगा अगर आप थेरेपी में गए, क्या हो जाएगा, अपने आप से ये पूछे। नहीं समझ आती छोड़ देना, अगर आपको लगेगा मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ टेक एटलीस्ट 5 सेशंस, क्योंकि शुरू में बहुत ओवरवेलमिंग होता है। शुरू में लोग ये समझ के जाते हैं आई एम गोइंग टू फील ग्रेट अगर मैं थेरेपी में जा रही हूँ ना, वो उसको सेल्फ केयर समझते हैं आजकल कि मैं गई एंड आई एम गोइंग टू फील अमेजिंग। नहीं, यू गोइंग टू फील वर्स, यू गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग योर इमोशंस जो आपने सालों, अरसों, सदियों से दबाए हैं अपने अंदर, वो निकल कर आते हैं, आपके अनहील्ड पार्ट्स आपको नज़र आते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी अगली एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, बट ये है कि उससे निकल के आपकी ग्रोथ होती है। कहते हैं ना कि उसके बाद आसानी आती है, उस तकलीफ के बाद। ओके, व्हेन यू टॉक टू पीपल, सम पीपल से मैं थेरेपी पे क्यों जाऊं जब मुझे पता है कि आई हैव लॉस्ट अ चाइल्ड, सो माय ओनली सॉल्यूशन या खुशी मुझे ज़िंदगी में मिलेगी जब, या वो बच्चा नहीं आ सकता, लाइक कोई और बच्चा हो जाए या ये दुख चला जाए, रिलेशनशिप का फेलियर हो गया है तो हाँ कोई रिप्लेसमेंट हो जाए या दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, बिजनेस फेल हो गया है तो बिजनेस, ये सिंपल सामने क्लियर सोल्यूशन हैं, तो इसमें थेरेपिस्ट मेरे लिए क्या कर लेगा, बिकॉज ये एक लॉस ऑफ समथिंग है, उसको आप रिप्लेस कर दें तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मेरा मसला हल हो जाएगा, यू नो, तो थेरेपी मुझे इसमें कैसे हेल्प करेगी। थेरेपी देखें आपको इस तरह हेल्प करती है, सबसे पहले तो ये कि ये कोई छोटे लॉसेस नहीं है जो अभी हमने दो की बात की, तीसरा तो फाइनेंशियल है मे बी शायद, खुद भी लोगों के लिए बहुत बड़ा होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर किसी के लिए ना, कहते हैं ना हमने अपने बुत बनाए हुए हैं, तो किसी का बुत उसका बच्चा होता है, किसी का उसका शौहर होता है, किसी का उसका पैसा होता है, जो जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना अपने बुत की पूजा करते हैं। तो मेरे लिए इट्स माय रिलेशनशिप्स कि मेरी बहुत एफर्ट और टाइम और वो उसमें जाता है, तो वही बात है कि इंसान जहाँ एफर्ट लगाता है, टाइम लगाता है, अपनी मोहब्बत डालता है, उससे उसका सबसे ज़्यादा मजबूत ताल्लुक होता है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती कि डिवोर्स आपने कहा कि मैं इसको रिप्लेस कर लूँ अगर तो वो चला जाएगा, नहीं। अगर आपकी इतना हार्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है डिवोर्स, आपने एक इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बांटी है, जितने भी साल आपने उसके साथ अच्छा टाइम भी गुजारा है, बहुत बुरी शादी में भी कुछ तो अच्छा टाइम होता है ना, और इंसान ऐसी चीज़ें कि वी गेट अटैच टू, वी गेट आदत पड़ जाती है। आप एक जानवर ला के घर में रखें, आपको उसकी आदत पड़ जाती है, तो एक इंसान जिससे आप बातें कर रहे हैं तो उस कनेक्शन को ग्रीव करना होता है। थेरेपी में आप उसको ग्रीव करते हैं, इट्स लाइक अ डिटॉक्स। ओके, कि आपने वो नहीं किया और आप दूसरे उसमें जंप इन कर गए तो आपका बहुत बैगेज आएगा उसमें। सो यू वुड से इवन इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू समथिंग,
अगर कोई भी लॉस है तो उसके बाद थेरेपी पे आप जाएं, लॉस के बाद आपकी थेरेपी अगर नहीं करवाते ना आप, आपका दूसरा बच्चा हो भी जाएगा, पहले का ग्रीफ तो नहीं जाए, वो तो आपने ग्रीफ किया ही नहीं, क्योंकि हमें फील नहीं करना, हमें हम रो लेते हैं, बहुत सारे लोग तो रोने भी नहीं देते, डेथ पे भी नहीं रोने देते कि रो मत अब तो ख़त्म हो गया, और इसको अल्लाह माफ़ करे ये भी कहता है ना शुक्री मत करो कि तुम्हारे पास ये है ये है ये है ये, दैट्स नॉट द राइट टाइम टू कि आप उसको ग्रैटिट्यूड की तरफ लेकर आएँ, उसको उस लॉस की उस तकलीफ़ में अगर वो महसूस करना चाहता है रोना चाहता, एक तरीके से अगर रो रहा है कोई तो रोने दें, मातम और वो चीखना वो वाला ना करें जिसको मना है, लेकिन अगर कोई अपने तरीके से अपना गम प्रोसेस करता है रो कर या उसको फील करना चाहते हैं, हम फील ही नहीं करने देते, हम स्केप दिखाते रहते हैं, इसको यहाँ ले जाओ, इसको ये कर दो, इसको वो कर, उसका ध्यान हटा दो, तो आपका ध्यान हटा दिया लेकिन वो रह गया अंदर. तो इट्स लाइक समथिंग कि यू कैन नॉट चेंज योर क्लोथ्स कि जब तक पुराने कपड़े नहीं उतरेंगे, इट्स लाइक यू वेयरिंग समथिंग ऑन योर ऑलरेडी, आपने कुर्ता पहना है उस पर एक और कुर्ता पहन लिया, बट इट्स इनसाइड, सो इट इज़ गोइंग टू बी देयर, the loss, okay. the pain, the grief, वो रहेगा. So आपकी advice ये कि every time you go through something major, a traumatic experience in your life, even if you feel कि हाँ अब सब सही होने वाला है therapy के लिए जाएं. आप अगर दूसरी शादी में जा भी रहे हैं आपको समझ ही नहीं आएगा unconsciously आप कितना baggage उस शादी में लेकर आएंगे, आपके patterns बन जाते हैं आपके partner के साथ कि वो भी ऐसे ही करता था, and there is future manifestations जिसको हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की वो नेगेटिव होती है, और जो हम वर्स्ट जिसको कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज जो हम इमेजिन करते हैं, ये हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो पुराना पार्टनर है वो एक अलग इंसान था और ये एक अलग इंसान है, इसके अलग पैटर्न होंगे, उसके अलग थे, लेकिन आप लिंक करते रहेंगे मुसलसल, वो भी ऐसे ही करता था, उसने भी यही कहा था, हो सकता है वो झूठा हो या ना हो, लेकिन आप उसी को ढूंढते रहेंगे उसमें जब तक आप उससे हील नहीं करेंगे. और इंसान का ना एक अजीब ही सिस्टम है कि वो रहना चाहता है विक्टिम मोड में, वी वांट टू बी इन अ विक्टिम मोड, वी लाइक टू बी इन अ विक्टिम मोड. हमारी मेजॉरिटी खवातीन जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं उनके हालात इसलिए नहीं बदलते कि वो बदलना नहीं चाहती, टू बी ऑनेस्ट, मैं इनको सोल्यूशन बताऊँगी भी बट वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट उन्होंने करने हैं, लेकिन जब आप अपने आप को ये कहते रहेंगे ना मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, तो फिर आपने अपने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. आप सबसे पहली चीज़ होती है बात, तो जब आप अपने लिए बात नहीं करते ना तो फिर तो हर कोई आपको जिस तरह ट्रीट करना चाहे करता रहेगा. गलत को गलत नहीं कहते, नाइंसाफ़ी को नाइंसाफ़ी नहीं कहते, अब्यूज़ को अब्यूज़ नहीं कहते, और कहते हैं कि मैं बर्दाश्त करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, तो बर्दाश्त से कुछ ठीक नहीं होता, ख़राब होता है, और आपके बच्चे ये देखते हैं. मैं कहती हूँ अगर आपने अपने लिए कर भी लिया ना, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर किड्स. Thank you.